दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कभी आप YouTube में आए और यहाँ पर अगर आपका 33 लाख मतलब 3.3 मिलियन का सब्सक्राइबर हो जाए और उसके बाद अगर अचानक से आपको कुछ पता नहीं है, ऐसे एक सिचुएशन में अगर आपका चैनल डिलीट हो जाए, आपको कोई YouTube की तरफ से मेल नहीं आएगा, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा कि नहीं आपका चैनल इस वजह से आपका चैनल हम डिलीट कर रहे हैं, या फिर कोई भी वजह नहीं आपको मालूम होगा पर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, तो दोस्तों आपका वो सिचुएशन कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा और दोस्तों आप उस सिचुएशन में करेंगे क्या? क्या दोस्तों आपको लगता है कि उस सिचुएशन में आप हर एक आदमी के पास जाओगे, हर एक ऐसे लोगों के पास जाओगे जो आपका मदद कर सके, या फिर आपके पास जो 33 लाख का सब्सक्राइबर है, 33 लाख का लोग जो आपको फॉलो करते हैं, उनको आप उनको बोलेंगे कि भाई मुझे हेल्प करो क्योंकि मेरा चैनल हो गया? पर दोस्तों अगर आपका चैनल ही डिलीट हो जाए तो आप कैसे हेल्प करोगे, कैसे हेल्प मांगोगे उन लोगों से? आपका चैनल तो डिलीट हो गया ना। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मेरे एक भाई के साथ हुआ है जिनका नाम है गौरव जैन। बेस्ट हेल्प इन हिंदी, ये नाम तो आपने सुन लिया होगा और इसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं अभी, और मैं ही हूँ उसका ओनर बेस्ट हेल्प इन हिंदी चैनल का, जिस चैनल पर 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और विदाउट एनी रीजन डिलीट हो गया। तो मेरा जो चैनल है अभी रिसेंटली 7 मई 2020 के दिन विदाउट एनी नोटिफिकेशन चैनल डिलीट कर लिया गया। इस चैनल से मैं अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था, 3-4 लाख 2 लाख 3 लाख हर महीने आ रहे थे और सब कुछ सही हो चुका था। घर की स्थिति इतनी गरीब, इतना ज़्यादा ख़राब था, मैंने काफ़ी हद तक उसको सही कर दिया था और एक स्टेबल होने ही वाला था और अचानक से मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया। दोस्तों उनका एक चैनल था यूट्यूब पर जो बेस्ट हेल्प इन हिंदी नाम के था, जहां पर आपको 33 लाख का सब्सक्राइबर था, मतलब 3.3 मिलियन का सब्सक्राइबर था वहां पर। दोस्तों अचानक से कुछ दिन पहले बस ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस ही कुछ दिन पहले उनका जो चैनल है 3.3 मिलियन की सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी वो डिलीट हो गया यूट्यूब से। दोस्तों उनकी बातों के मुताबिक उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, उनको कोई ईमेल नहीं मिला, कुछ भी उनको कोई अपडेट्स नहीं मिला कि नहीं भाई उनके चैनल में एक गंडगोल है, ये प्रॉब्लम है, वो अगर सॉल्व ना करे तो उनका चैनल को डिलीट किया जाएगा या फिर कुछ। क्योंकि दोस्तों उनके पास 33 लाख का सब्सक्राइबर है, पहली बात तो ये है, किसी के पास इतना बड़ा एक कम्युनिटी होगा, इतना बड़ा एक फैमिली होगा और अचानक से कोई आकर उसको डिलीट कर देगा, ये तो एक नाइंसाफी हो गया ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका सिचुएशन ऐसा ही होता तो क्या आप करते? आज आप शायद बोल सकते हैं कि भाई उसका उसके साथ जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपको हिंसा होगा, अगर आपको उसका उसको लेकर हिंसा होगा थोड़ा सा भी, तो आपको शायद लगेगा कि भाई उसके साथ ठीक हुआ है। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर वही सिचुएशन आपके साथ या फिर मेरे साथ होता, अगर मैं उस पोजिशन में कभी गया तो आप कैसा सिचुएशन होगा? दोस्तों कुछ दिन पहले ही मेरा जब चैनल मैंने स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद ही मेरे चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया गया था। दोस्तों मेरा कोई ऐसा सिचुएशन हुआ था कि मैं रो रो के मतलब एकदम मेरा बुरा हालात हो गया था, मेरा घर में सब एकदम परेशान हो गए थे कि क्या होगा इसके साथ। क्योंकि दोस्तों मैंने 30 वीडियो डाला था मेरे चैनल में और 30 वीडियो में व्यूज़ नहीं आए थे, पर उन 30 वीडियो में जो मेहनत लगा था ना दोस्तों, उसके लिए मुझे रोना आया था, मैंने बहुत रोया फूट के बहुत रोया। और दोस्तों अगर बात करें उनकी जो 3 साल से उस एक चैनल को इस पोजीशन में ले आया कि वहाँ पर 33 लाख की सब्सक्राइबर है, दोस्तों उनका फैमिली का बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा कि वो भी एक बहुत लो क्लास से बिलोंग करते थे और यूट्यूब की मदद से उनका जो 33 लाख का उनका सब्सक्राइबर था, फैमिली के था, उनके मदद से वो एक ऐसे पोजिशन में आ गए थे जहाँ पर उनको अच्छी खासी पैसा मिलता था, अच्छी खासी उनका फैमिली अच्छे से सुधार रहा था, अच्छे पोजीशन में जा रहा था, उनको हर महीने 3-4 लाख या 1-4 लाख के बीच में उनका कमाई होता था हर महीने। अगर आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो एक इस नॉर्मल एक अगर जॉब करे तो भी उतना पैसा नहीं मिलता, अगर वैसे ही एक सिचुएशन में किसी का अगर सब कुछ छिन जाए, दोस्तों वो नौकरी भी करते थे, नौकरी छोड़ के यूट्यूब में लगे कि भाई यूट्यूब में कुछ हो रहा है तो चलो यूट्यूब को ही हम अपना बनाते हैं। तो चलिए पहले मैं उनका बात सुनाता हूँ और उसके बाद आपसे बात करते हो, चलिए उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। ऐसे कर सकते हैं यार YouTube वाले, मतलब कुछ गलती नहीं किया हमने, कुछ गलती भी नहीं कर रहे हैं, बिना नोटिफिकेशन आपका चैनल डिलीट कर रहे हैं, तो कोई इंसान कैसे काम करेगा यार? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना मैं कुछ काम करता हूँ, ना मैं कोई जॉब करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, ओनली यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपकी कोई गलती नहीं है, आपका चैनल डिलीट कर लेंगे तो आप कैसे काम करेंगे यार? इफ़ ओवर चैनल डिलीटेड विदाउट एनी रीजन और नोटिस, हाउ वी विल वर्क? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है भाई? 3 दिन हो चुके, इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ? मतलब यार रोजी रोटी छीन लिया, मतलब
कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो चुका है। गलती क्या है मेरी? देखो यार, टेक्नोलॉजी चैनल में एप्लीकेशन रिव्यू करता था, सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालता था या फिर फोन से फोन रिकॉर्ड कर डालता था, फिर स्कैम नहीं आता था क्योंकि मेरा मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए वो जरूरी था ना। ऐप रिव्यू सारे चैनल इसी तरह से वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और आई होप कि मुझे मेरा चैनल वापस दे दे यूट्यूब वाले। मैंने कई लोगों को मेल किया, कई यूट्यूबर को मेल किया, हाथ जोड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ उनके सामने फ़ोन करके, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपना देखना चाहते हैं। जब यार जब तक तो खुद पर नहीं बीतती है ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता कि हम क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों आपने तो देखा उनका बात सुना भी, कितना सैड हो है वो। आप बस सोचिए एक बार उनके जगह पे आप जाके। दोस्तों ये बात नहीं कि उनके पास इतना सब्सक्राइबर था तो मेरे पास तो नहीं है तो मैं क्यों इसके जैसा सोचूंगा, बात ये नहीं है, बात है ह्यूमैनिटी की। दोस्तों बात सब्सक्राइबर या फिर पैसों का नहीं है, बात है ह्यूमैनिटी का। हम ह्यूमन से, हम इंसान है दोस्तों, हमारे पास उतना तो दिल होता है कि कोई अगर ऐसे पोजिशन से गिर जाए तो उसका फैमिली पे गिरेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो कभी फेस कैम वीडियो नहीं बनाए थे दोस्तों, पहले तो बात यही है, गलती भी उन्होंने किया था यही कि वो कभी फेस कैम वीडियो नहीं बनाए थे, इसलिए लोग उनको पहचानता नहीं है। और एक बात दोस्तों ये है कि दोस्तों वो फेस कैम वीडियो नहीं बनाते थे क्योंकि वो आपको हेल्प करना चाहते थे। अगर कोई आपको हेल्प करना ही चाहेगा तो कभी वो आपको वो खुद को सामने नहीं लाएगा, वो बस हेल्प करता ही जाएगा चाहे उसको कुछ प्रॉफिट मिले या ना मिले। वैसे ही वो भी किए थे, उनका भी सब्सक्राइबर था, आस्ते आस्ते सब्सक्राइब ग्रो हो रहा था, 3.3 मिलियन का सब्सक्राइबर हो गया था, फिर भी वो एक भी फेस कैम वीडियो नहीं बनाया तब तक उस चैनल में। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना आपके लिए सोचते थे। अगर नहीं सोचते थे तो फिर दूसरे यूट्यूबर्स की तरह वो हमारे जैसा काम करते थे, कर पाते थे, पर उन्होंने नहीं किया। और जब आज ऐसे सिचुएशन उनके साथ हो गया, फिर उन्होंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। तो दोस्तों उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा प्लीज़ उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, आपका ही हेल्प होगा और उनका भी हो सके तो कुछ मदद हो जाएगा। और अगर आप में से कोई उनका कुछ मदद कर सकते हो, जैसे कि आपने भाई बहुत यूट्यूबर्स की देख लीजिए कैरमिनाथी के बारे में, ऐसे एक सिचुएशन आ गया तो आप सब एक साथ आके खड़े हो गए। तो आज भाई मेरा एक भाई जिसको आप शायद पहचानते नहीं हो, फिर भी वो एक ऐसे पोजीशन में है, तो क्या आप उनके लिए ये नहीं कर सकते? वो भी तो इंडियन है ना, वो भी इंडियन है, वो हमारा ही तरह एक इंसान भी है, जिनका अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड फिर से अगर ख़राब हो जाए तो भाई अच्छा नहीं लगता ये बात। शायद मेरा फैमिली कैसे भी सिचुएशन में हो, अगर दूसरे का फैमिली एक अच्छे पोजीशन से गिर जाए ना तो बहुत बुरी चीज़ है भाई। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनका चैनल को लिंक में जाइए। और उसके साथ अगर कहीं भी किसी भी तरह का आपका हेल्प हो सके, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, शायद अगर कोई सुन ले मेरे बात तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उनका चैनल को वापस लाने के लिए आप ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी आप टैग लगा दीजिए, ब्रिंग बैक हेल्प, बेस्ट हेल्प इन यूट्यूब, ये करके मैं यहाँ पर लिख दूँगा। उस वो कह के आप YouTube को भी टैग कर लीजिए और वीडियो जो पोस्ट करते रहिए ताकि उनका चैनल को भी मतलब वापस लिया जाए। दोस्तों 3.3 मिलियन, आप एक बार सोच लीजिए प्लीज़, चाहे किसी का भी हो, हम इंडियंस तो सबके बारे में सोचते हैं ना, हम इंडियंस सबके बारे में सोचते हैं, सबको प्यार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं भाई उनका भी हेल्प करो और ज़रूर उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और एक बात, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई प्लीज़ अगर आपको YouTube में आना ही है तो आप फेस कैम वीडियोज़ कीजिए, कोई कॉम्पिलेशन वीडियो नहीं या फिर कुछ ये सब में ध्यान मत दीजिए, चाहे कितने देर आपको लग जाए YouTube में। आप पहले तो आपके पास एक इमरजेंसी ऐसे कुछ रखिए, आपके पास नौकरी रखिए, ऐसा पोजीशन कर लीजिए, उसके बाद YouTube में आइए। YouTube को एकदम परमानेंट मत बना लीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आपने देख लिया बहुत बार कि YouTube के साथ बहुत कुछ होता है, तो आप इसको परमानेंट नहीं, दोनों चीज़ एक साथ कीजिए, बहुत अच्छा होगा। और ज़रूर आप फेस कैम वीडियो बनाएं ताकि लोग आपको पहचानें, और लोग नहीं पहचानेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कभी आपका चैनल भी किसी वजह से डिलीट हो जाए तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे बात को ध्यान रखना, और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भी बहुत सारे शायद ऐसे वीडियोस लाता हूँ जो आपको पसंद आता है या फिर नहीं आता है, फिर भी मेरे साथ रहिए। और आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसे आपको वीडियो हेल्प मिलेगा, कैसे वीडियो में मज़ा आएगा, प्लीज़ बताइए। मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और प्लीज़ खुद सेफ रहिए, दूसरों को सेफ रखिए दोस्तों, हमारे लिए प्रे कीजिए। हम बंगाल से बिलोंग करते हैं दोस्तों, बंगाल का सिचुएशन आप सभी को पता है कि मतलब ऐसे तो कोविड-19 के ये सिचुएशन है, उसके बाद मतलब
आप मन जो आया मतलब एकदम सब कुछ ख़त्म कर दिया, उसके बाद क्या बताएं? प्लीज़ प्रे कीजिए बंगाल के लिए और उसके साथ उड़ीसा और बांग्लादेश के लिए भी प्रे कीजिए प्लीज़। और दोस्तों इतना ही बताएंगे, और खुद सेफ रहिए, दूसरों को सेफ रखिए, खुद अपना केयर कीजिए और अच्छे रहिए, मुस्कुराता रहिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और दूसरों का मदद करते रहिए। दोस्तों हर एक इंसान का यही मोटो होना चाहिए कि दूसरों का वो मदद करे, तो हम भी मदद करना चाहते हैं दोस्तों। बस हमारे पास अगर वो सिचुएशन होता तो हम मदद ज़रूर करते, पर अगर फिर भी आप में से कोई भी कोलैब करना चाहता है हमारे साथ, कोई भी हो, आपका सब्सक्राइबर हो या चाहे ना हो, अगर कोलैब करने में आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे बताइएगा। मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा जो चैनल अबाउट है वहाँ पर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस में आप ईमेल कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और आपके साथ कोलैब बनाऊँगा। तो मैं बस, आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए पूरा, और प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।